जय सिया राम। आज मुझे एक ऐसी चौपाई मिली है जो बड़े से बड़े रोग और बड़े से बड़ी पीड़ा को दूर भगा सकती है। अगर आप बहुत दिनों से किसी रोग या पीड़ा से परेशान हैं और आप बहुत सारे डॉक्टरों और वैद्यों को दिखाकर परेशान हो चुके हैं, आपने बहुत सारी दवाइयाँ ली हैं लेकिन वह रोग और पीड़ा आपके शरीर से जा नहीं रही है, तो एक अंतिम बार उन दवाइयों के साथ इस चौपाई को बोलकर देखिए। यह चौपाई संजीवनी बूटी की भांति कार्य करती है। आपको करना कुछ नहीं है, जब भी आप दवाई ग्रहण करें तो भगवान श्री राम का ध्यान करके इस चौपाई को बोल के मन में यह विश्वास धारण करके उस दवा को ग्रहण करें कि हे प्रभु, मेरी रोग और पीड़ा को दूर भगाइए। और ऐसा सोचकर इस चौपाई को बोलकर दवा ग्रहण करें। निश्चित मानिए कि वह दवा आपके लिए संजीवनी बूटी बन जाएगी और वह रोग और व्यथा पीड़ा जो भी आपके शरीर के अंदर है, वह भगवान श्री राम के आशीर्वाद से उस शरीर से बाहर निकल जाएगा। ऐसा आप विश्वास रखकर इस चौपाई को बोलिए। यह चौपाई बहुत ही दिव्य है। इस चौपाई को बोलने से बहुत सारे लोगों के रोग ठीक हुए हैं, बहुत सारे संत महात्मा ऐसा कहते हैं। तो आइए मैं आपको वह दिव्य रामचरितमानस की चौपाई बताने जा रहा हूं, लेकिन उसके पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट भी लिख दीजिए जय श्री राम। और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इस चौपाई को मैं अपने वीडियो की स्क्रीन पर भी दूंगा जिससे आप लिख सकें और इस चौपाई का पाठ कर सकें। आइए सुनते हैं रामचरितमानस की वह चौपाई। कर पर सा सुग्रीव शरीरा, तनु भाकुलिस गई सब पीरा। कर पर सा सुग्रीव शरीरा, तनु भाकुलिस गई सब पीरा। जय श्री राम। धन्यवाद।